करने का बहुत महत्व होता है, उसका अक्षय फल मिलता है। और आज के दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं वृंदावन में। साल में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो दानवान की बात तो खैर आप लोग जाने, क्योंकि बिहारी जी के चरण दर्शन एक बार होते हैं आज के दिन, तो हम लोग भी श्री कृष्ण के, वो तो जो दर्शन होते हैं वो विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, लेकिन आप लोग रूप ध्यान में भगवान का चल रूप ध्यान बनाते हुए, सजीव रूप ध्यान बनाते हुए उनके चरणों का ध्यान करें। इसीलिए अब चरण संबंधी कुछ संकीर्तन होने चाहिए जिनसे चरणों का ध्यान हो। महाराज जी ने कीर्तन बनाया था पहले, ब्रजरस माधुरी भाग एक में, वो छपा भी था पुराने एडिशंस में है, इसमें नहीं है किसी किताब में, तो उसी कीर्तन को हम पहले करेंगे। चिंतय चित्त चिरम हरि चरणम, गोप वधू जन हृदया भरणम। अर्थात हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, तू चिरम यानी निरंतर श्री कृष्ण के उन चरणों का चिंतन कर, ध्यान कर, मनन कर, रूप ध्यान कर, जो गोपियों के हृदय के आभूषण हैं। यानी जिन चरणों को गोपियां सदा अपने हृदय में धारण करती हैं, यानी निरंतर जिन चरणों का गोपियां ध्यान करती रहती हैं और इस प्रकार अपने हृदय में बसाए रहती हैं, तो उन गोपी जन हृदय के आभूषण स्वरूप वो जो श्री कृष्ण के चरण हैं, अरे मन तू इन चरणों का निरंतर ध्यान कर। ये इस संस्कृत का ये कीर्तन है, इसीलिए महाराज जी ने शायद इसको निकलवा दिया था बाद में, तो चूंकि ये महाराज जी का ही बनाया हुआ है इसको आज हम गाएंगे। चिंतय चित्त चिरम हरि चरणम, गोप वधू जन हृदया भरणम। चिंतय I
विद्या
गोप
वधु जन Yeah.
चिरं हरि चरणं चिरं हरि चिंतय
चित्त चिरम हरि चरणम गोप वधू जन हृदया भरा